stuffed naan. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको स्टफ चिकन नान बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 कप मैदा, 1 टेबलस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून अजवाइन डालेंगे, 1 टेबलस्पून यीस्ट है ये मेरे पास। उसके अलावा हम 1/2 कप ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे, 1 एग एंड 1 कप नीम गरम दूध लिया है मैंने। और इसके बाद हम, अगर थोड़ा बहुत पानी की हमें ज़रूरत हुई तो हम एंड में देखेंगे, वरना हम इसे दूध से ही गूंदेंगे। सबसे पहले हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, अजवाइन, यीस्ट, ऑयल डाल देंगे, एग। अब सबसे पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। ये देखें, इस तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको गूंद लेंगे आटे को। आप जब भी ये आटा वगैरह आपको गूंदना हो जिसमें आपको हाथों का इस्तेमाल करना हो, तो लाजमी इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपके हाथ अच्छी तरह वॉश हों। अब थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के मैं इसको गूंद लूँगी। ये देखें, ये मैंने सारा दूध डाल दिया है इसमें। और अब हम इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। अब इस पोजीशन में मुझे थोड़े से बस पानी की ज़रूरत होगी। ये देखें, मैं थोड़ा सा बस हल्का सा पानी इसमें लूँगी। ये देखें, हमारा आटा गूंद चुका है और मैं इसको दिखा देती हूँ आपको। ये देखें, ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड मैंने गूंदा है, ना बहुत सॉफ्ट है, मीडियम रखा है इसको। अब हम इसको ढक के तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ये डबल ना हो जाए। अब फिलिंग के लिए मैंने चिकन लिए, बोनलेस 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए मैंने, उनको ऐसे काट लिया है। इसके अलावा 1 बाउल मैंने कैप्सिकम लिए चौकोर पीस में कटी हुई, 1 बाउल मैंने ग्रीन ऑनियन लिए, इसको भी मैंने काट लिया था। इसके अलावा हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर है ये। उसके अलावा हम 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड लेंगे, 1/2 टीस्पून ड्राइड हर्ब है ये। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला। इसके अलावा मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया था, इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब सबसे पहले हम इसमें जो हमारा कोरिएंडर और क्यूमिन है, इनको डाल के फ्राई करेंगे। जब तक हमारा क्यूमिन वगैरह फ्राई हो रहा है, मैंने चिकन को ऐसे लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब चिकन को पहले फ्राई कर लेंगे हम, और साथ ही मैं इसमें सॉल्ट और टिक्का मसाला है वो भी ऐड कर दूंगी। अभी हमारे पास जो ड्राई हर्ब थे हम वो डाल देंगे, और साथ ही वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। हमें सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक्कन ढक के तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह हमारी चिकन गल जाए। अच्छा, ये एक और फिलिंग है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये जो लेफ़्ट ओवर आपके पास कीमा अगर बचा हो या कोई चिकन बची हुई हो, तो आप उससे भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। मेरे पास दम कीमा बचा हुआ था, तो मैंने उसके अंदर बहुत सारी ग्रीन ऑनियन डाल के और थोड़ा सा मसाला, कुछ भी स्पाइसेस आप उसमें डाल दें। वैसे तो इसमें दम कीमे में वैसे ही मसाले थे, तो मैंने सिर्फ इसमें हरा मसाला हल्का सा ऐड किया है, और इसको मैं बना लूँगी। ये भी मेरी फिलिंग तैयार हो जाएगी। आप इसकी फिलिंग लेफ़्ट ओवर से भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी। पहले बेल लूँगी मैं, बस इसको मैंने रफली सा बेल लिया है, और इसके 2 टुकड़े कर दूंगी। अब एक को हम इस तरह लेके इसको यहाँ से बंद करेंगे।
ऐसे ही दूसरे को भी बंद करके गोल कर लेंगे। अभी हमारा चिकन का जो मसाला था इसको हमने ऐसे ही चम्मचों से थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया, जो बोटियाँ बड़ी थी उनकी। अब हम ये मसाला जो है इसमें डालेंगे। मसाले को ज़्यादा डालिएगा और इसको इस तरह करके बंद कर दीजिएगा। ये देखें ऐसे ही बंद हो गया है, ये एक तैयार हो गया। इसी तरह हम दूसरा भी बना लेंगे। अभी एक पेड़े को लेके इस तरह हम हाथ की मदद से बड़ा करेंगे और जहाँ जैसे ही खुला उसको वापस बंद कर लीजिएगा। अब मैं आपको दो तरीके बता देती हूँ। अच्छा, मैंने पानी जो है हाथों में को गीला कर लिया पानी से और इसको हम इस तरह कर लेंगे कि इसमें साइडें मोटी हो जाए और बीच में ऐसे निशान आ जाए उंगलियों से। ये देखें कि हमारा एक नान तैयार है। अब मैं इसको एक नान को मैं ओवन में बेक करके दिखाऊंगी आपको और एक को हम तवे पे बनाएंगे फ्राई पैन में। अब इसको मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 350 फॉरेनहाइट पे। अब मैं उसको की हीट जो है 400 करके और हम इसको जो है 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। इसको मैंने फ्राई पैन को गरम कर लिया था और इसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया था। अब इसको हमने डाल दिया और इस पर भी हम पानी से हाथ गीले करके उसमें हम निशान लगाएंगे ऐसे। अब मैं इसे ढक दूंगी। आंच मैंने जो है वो धीमी आंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, लो फ्लेम नहीं रखा है बिल्कुल। और इस पर हम पकने देंगे अभी 2 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम इसको पलटेंगे। ये जो मैंने कीमे का आपको बताया था लेफ्ट ओवर जो कीमा था उससे जो मैंने फिलिंग बनाई थी, एक मैं नान आपको उससे बना के दिखा देती हूँ। अब कीमे के हमने डाल लिया, अब हम इसको इस तरह बंद कर लेंगे जैसे हम कचौरी में भरते हैं मसाला, बिल्कुल इसी तरीके से हमने में डाला है। ये देखें इस तरह करके इसको ताकि अच्छी तरीके से बंद हो जाए। जी इस तरह पेड़ बना लेंगे हम। इसको भी ऐसी हल्की सी खुश्की लगा के और इसको हाथों की मदद से हम फैला लेंगे। ये मैंने इसको 3 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसको चेक करूंगी कि हमारी अगर पीछे वाली साइड गोल्डन हो गई हो तो हम इसको पलट देंगे। जी बहुत अच्छी गोल्डन हो गई है, अब मैं इसको पलट दूंगी बहुत एहतियात से। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन हो गई है। अब हम इसको फिर ढक देंगे और तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए मैं इसको इसी पे पकने दूंगी। ये देखें ये जो मैंने ओवन में नान रखा था वो जब फूल जाए तो आप इसको 5 मिनट के बाद निकाल के इस पे छुरी से कट मार के और इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल ग्रीस किया है। अब इसको मैं दोबारा वापस रख दूंगी ओवन में। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारे नान तैयार हो चुके हैं। ये चिकन का है और कीमे का, दोनों नान तैयार हो गए हैं।